नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव अपने YouTube चैनल त्रिमूर्ति ग्रुप से। और आज हम लोग के ग्रुप में एक नई गाड़ी आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने खड़ी है टाटा की 5530 टाटा की 5530 खड़ी है, जिसकी आप बैजविंग देख सकते हैं सिग्ना केबिन में है। इसमें प्राइमा केबिन भी आती है और सिग्ना केबिन भी। तो हम लोग की तरफ जो है ज़्यादा सक्सेस जो है सिग्ना केबिन है, लोग ज़्यादातर करके सिग्ना केबिन ही लेते हैं। और आपको सबसे पहले एक राउंड व्यू दिखा देते हैं, तो गाड़ी का एक राउंड वॉक दिखा दीजिए धीरे धीरे। ये देख सकते हैं केबिन के बाद ये डीजल टैंक है जो 365 लीटर का है। ये यूरिया है, DEF टैंक जो है ये 60 लीटर का। आप टायर देख सकते हैं, इसमें सीएट कंपनी का टायर लग के आता है कंपनी की तरफ से। अक्सर करके 10R20 के टायर सभी ट्रेलरों में लग के आते हैं, इसमें भी वही है 10R20 के। और जो आप देख सकते हैं जो सामने से फ्रंट से लेकर बैक तक की जो चेची से केवल घोड़ा घोड़ा की ट्रेलर की, वो 23 फुट रेंज की आती है, लंबाई 23 फुट पूरी पड़ती है। जो फ्रंट एक्सल से लेकर बैक एक्सल तक की लंबाई है वो 23 फुट पूरी पड़ रही है। उसके बाद जो आप ट्राली देख रहे हैं, ट्राली आप देखते आ रहे हैं तो इसमें देख सकते हैं, ये ट्रॉली जो है एयर सस्पेंशन में नहीं है, ये ट्रॉली जो है एयर सस्पेंशन में नहीं है। अब 55,000 किलो में पास है, 55 टन 55,000 kg में ट्राली पास है। और आप देख सकते हैं वो लिफ्ट टायर है जो कि एयर सस्पेंशन नहीं है, नॉर्मल सस्पेंशन है इसमें। और इधर आप साइड में देख सकते हैं टाटा DLT की ट्रॉली है, और पीछे आप देख सकते हैं पुरानी लाइट टाटा की जो सदियों से चली आ रही है, LED नहीं कर रहा है। और यही अशोक लीलैंड या भारत बंद में आप देखेंगे ये सब सारी बैक लाइट LED हो चुकी हैं। और ऐसे ही देखते आ रहे हैं, ये नीचे का बम्पर है ये डाला है। और एक राउंड व्यू देने के बाद टाटा DLT की ट्राली बनी हुई है, और ये घोड़ा वाराणसी से आया है पुनीत ऑटोमोबाइल से, और टाटा DLT की ट्राली है साथ में एक ही साथ। इधर देख सकते हैं स्टिकर वगैरह लगा हुआ है कंपनी का। मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इसका लिखा हुआ 4th यानी अप्रैल 2022 की है। और मैक्सिमम जो इसका वेट है 21,000 kg जो फ्रंट वाला है, और टोटल मिला के 55,000 kg ये पूरी कैपेसिटी लेती है, जिसमें आप देख सकते हैं GVW ग्रॉस व्हीकल वेट 55,000 kg। एक किंग पिन साइज जो है, दो किंग पिन इसमें लगता है, जो 5th व्हील कपलर है उसमें शायद दो पिन कुछ होती है, हमें इतना जानकारी नहीं भाई साहब इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ, तो यही सब दिक्कत है। और टाटा के तो आइए शुरू करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं टाटा के बैजिंग वगैरह ये, आइए फिर से फ्रंट से आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें स्पेसिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है जो मेरे जानकारी का है। आप देख सकते हैं सामने में एक मिरर लगा हुआ है कि ड्राइवर नीचे स्टेयरिंग में बैठे बैठे अपना आसानी से देख सके कि सामने कोई चीज़ है कि नहीं। ये बड़ा सा टाटा के बैजिंग, और ये टाटा का होलोग्राम जो मार्का है वो दे रखा है एक बढ़िया लुक के साथ। ये जो आप फ्रंट बम्पर देख रहे हैं ये 3 पीस में दिया है कि अगर साइड से कहीं टच कर जाए तो आप केवल एक पीस साइड वाला हटा सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर वगैरह में अक्सर करके बड़ी गाड़ियों में ऐसा लगता रहता है कि साइड से थोड़ा टच कर जाती हैं, तो ये केवल 3 पीस में है। इसको नट बोल्ट से खोल के इसको हटा लीजिए और बाकी अपना नॉर्मल काम कर लीजिए। कम खर्च आने के लिए इसको यूज किया जाता है कि खर्च इसमें कम आए। आप ये देख सकते हैं शो वगैरह, ये इसका जो एयर फिल्टर है गाड़ी का, एयर फिल्टर लगा हुआ है, इसको भी साफ़ करवा सकते हैं अलग से, प्रेशर एयर प्रेशर भी मरवाते रहते हैं लोग। और ऊपर से साइड से इसका एयर प्रेशर भी दिया है कि ऊपर से जो एयर वर उठाए वो ऊपर से उठाए। ये जो आपको टैंक है ये पॉलीमर का बना हुआ है, 365 लीटर का है। एंटी थेफ्ट सिस्टम के साथ है कि अगर आप चोरी करते हैं इसमें या चोरी होता है, ड्रेनेज अगर ज़्यादा तेज़ी से एक नॉर्मल रेट के हिसाब से ज़्यादा तेज़ी से ड्रेनेज होने लगेगा तो ये मालिक को अलार्म करने लगेगा। इसका एक ऐप होता है जिसके थ्रू मालिक जान जाएगा कि नहीं इसमें से एक नॉर्मल रेट के अधिक मतलब डीजल निकाला जा रहा है। तो चोरी से बचाने के लिए एंटी थेफ्ट सिस्टम जिसको बोला जाता है वो भी इसमें लगा हुआ इंस्टॉल है। और ये DEF टैंक है, आप देख सकते हैं DEF टैंक जो है कि यूरिया इसमें डाली जाती है 60 लीटर, और इस समय यूरिया जो है 20 लीटर की एक बाल्टी आती है इसकी, जो कि इस समय 1700 रुपये की पड़ती है। तो अगर तीन बाल्टी डालेंगे तब ये फिलअप होगा, इसका भी खर्च काफ़ी आ जाता है मालिकों के लिए। पहले अशोक लीलैंड में नहीं आता था, लेकिन अब तो सभी गाड़ियों में आने लगा है DEF वाला सिस्टम। और ये चूँकि गाड़ी BS6 है तो इसमें तो आना ही आना है यूरिया वाला सिस्टम, तो ठीक है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसको लाया गया। ये आप देख सकते हैं फिफ्थ व्हील जो कपलिंग इसको बोलते हैं, जोस्ट कंपनी का लगा हुआ है, काफ़ी मजबूत और काफ़ी तगड़ा है। ये सभी ट्रेलरों में यहीं से ट्रॉलियों को जोड़ा जाता है, यहीं से ट्रॉलियों को हटाया जाता है। इसको अगर अलग करना है सेपरेट करना है तो आप खड़ा करके इस पिन को रोटेट करके खींच देंगे, ये ट्रॉली अलग हो जाएगी, घोड़ा अलग हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो कि डबल क्राउन का ये घोड़ा है, यानी इससे भी रोटेट है, इससे भी रोटेट है। नीचे आप देख सकते हैं दोनों में हड्डियाँ लगी हुई है, डबल क्राउन का घोड़ा है।
जिसके वजह से थोड़ा एवरेज में मार करता है। यही 18 चक्का जो घोड़े होते हैं उनका 3, 10, 15 का एवरेज आ जाता है लोड में, और इसका जो है कि 2, 80, 85 का एवरेज आता है, यानी 400 मीटर का अंतर इसमें आता है इस घोड़े में। और ये देख सकते हैं इस घोड़े की जो लाइट है इसको LED कर दिया गया है, और उधर भी आप देख सकते हैं उधर भी जो लाइट है LED है, लेकिन जो टाटा DLTO अल्ट्राली बना के दिए हैं उसमें LED नहीं दिए, नॉर्मल बल्ब वाला दे दिए हैं। आइए दोस्तों और आपको बताते हैं, ये इसका स्टैंड करने के लिए है कि ट्रॉली कहीं छोड़ते हैं तो उसके लिए स्टैंड। जो पूरा ट्रेलर की जो लोडिंग पैन की लंबाई है वो 32 फीट है, जो पूरे घोड़े की ट्रेलर की ट्रॉली की जो है लंबाई है पैन की लोडिंग स्पैन की 32 फीट है, चौड़ाई 8.5 फुट है और ऊंचाई 4 फीट है, जो 1088 फीट टोटल वॉल्यूम लेता है। मतलब या गिट्टी इसमें लोड करें या बालू लोड करें 1088 फीट इसका वॉल्यूम आएगा। लंबाई लेंथ जो 32 फीट, चौड़ाई 8.5 फुट, 8 फुट 6 इंच और ऊंचाई 4 फुट। दोनों तरफ दो दो खिड़कियां लगी हुई हैं टाटा DLTO की तरफ से कि खाली करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए दोनों तरफ दो दो खिड़कियां लगी हैं। और एक चीज़ इसमें और है कि पीछे से आप देख सकते हैं ये हैंगा लगा हुआ है कि पीछे से कोई आके टकराए नहीं इस गाड़ी में टकराए ना, इसलिए इसको लगाया जाता है। टाटा DLTO की तरफ से लगा के दिया गया है। और कमानी का जो इसमें सस्पेंशन दिया हुआ है, जो केबिन का सस्पेंशन वो साकर प्लस कमानी पे दिया है, आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इधर जो है स्टेयरिंग ऑयल का बॉक्स दिया हुआ है, स्टेयरिंग ऑयल जिसमें डाला जाता है। इसका जो सस्पेंशन है ये आप देख सकते हैं, सॉकर वाला भी है केबिन का, अब ये कमानी का भी सस्पेंशन है, यानी गड्ढे में अगर गाड़ी गिरती है तो कमानी भी है और सॉकर भी है, काफ़ी मजबूती के साथ टाटा ने बना के दिया है। और ये जो घोड़ा है काफ़ी दिनों से चलता आ रहा मार्केट में, वही घोड़ा है। जो इसका गियर बॉक्स है वो 10 गियर बॉक्स में, मतलब 10 गियर हैं, जैसे कि 8 फॉरवर्ड, 1 क्रॉल गियर है और 1 रिवर्स गियर है। क्रॉल गियर मतलब कि बहुत जोर के साथ चलता है, जिसको आप लो गियर कह सकते हैं या कह सकते हैं कि काफ़ी जब ज़्यादा RPM बढ़ाना रहता है उसमें क्रॉल गियर डाला जाता है। रिवर्स और 8 फॉरवर्ड गियर हैं इस गाड़ी के। जो गियर बॉक्स है वो G1150 इसका गियर बॉक्स है, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है गाड़ी 1100 न्यूटन मीटर का ये घोड़ा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 1100 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क घोड़ा प्रोड्यूस करता है। ये आप देख सकते हैं जो साइड में मिरर दिया गया है, इससे ड्राइवर अंदर केबिन में बैठे बैठे साइड की चीज़ों को देख सकता है कि मेरे राइट साइड क्या दिया हुआ है, लेफ्ट साइड क्या दिया हुआ, और ये पीछे की चीज़ों को देखने के लिए लेंथ में, लेंथ वाइज, और ये डाउनवर्ड साइड देखने के लिए केबिन में बैठे बैठे जो ड्राइवर आसानी से इसको देख सकता है, प्रॉक्सिमिटी मिरर जिसको बोलते हैं। जो लॉक वगैरह सिस्टम है इसका जस्ट नॉर्मल वाला ही है जो हमेशा से चला आया है। और स्लाइडिंग इसमें स्लीपर केबिन भी है जिसको आप देख सकते हैं, स्लाइडिंग ग्लास लगाया गया है कि आप स्लाइड करके खोल सकते हैं, स्लाइड करके बंद कर सकते हैं। इसमें मैनुअली आप शीशे को अप डाउन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो दोस्तों यही है इसका, चूँकि चाबी ना होने की वजह से अंदर का व्यू नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। जो ट्रॉली की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था वो बता दिए, जो भी जानकारी में था टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वो आपको बता दिए। और ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, लेना चाह ले सकते हैं। हमारे तरफ जो है मेन चीज़ें कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ढुलाई वगैरह के प्रयोग में लिया जाता है, इसीलिए इस घोड़े को काफ़ी पसंद किया जाता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।